बात करो। अरे मैया धोखा देख लियो। मजा नहीं आ रहा है। मजा आया। तो भाई आप में से बहुत सारे बंदे मेरे को मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बंदों ने मेरे को कमेंट किया कि मनोज को ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर वीडियो बना के डालो जिससे हमारे ओनली और रेड नंबर ही पड़े, हम किसी भी गन से बंदे को मारे हमारा सीधा का सीधा हेडशॉट है पर सीधा का सीधा रेड नंबर ही आए। तो जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो मेरे तुम सभी से आज छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज के वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आज से पहले आप लोगों ने कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पर ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग की वीडियो नहीं देखी होगी। तो बिना किस टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 300 डायमंड का गिवअवे और आप में से 3 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड वो दी जाएंगे। तो अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री में 300 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना, तो आप में से 3 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड वो दे दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। तो जितने भी बंदे फ्री फायर गेम खेलते हैं उनमें से 99% बंदों को हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि मान चलो आज आप लोगों ने कोई भी एक सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार की, या फिर आप लोगों ने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके कोई भी एक सेंसिटिविटी सेटिंग बना ली, या फिर आप में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो कि अपने मन से ही सेंसिटिविटी सेटिंग बना लेते हैं। तो भाई उस टाइम पे होता क्या है कि उस टाइम पे तो आप लोगों के हेडशॉट और वन टैप नेक्स्ट लेवल के पड़ते हैं, लेकिन जब आप लोग 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो, फिर 2-3 दिन बाद गेम खेलते हो, उस टाइम पे आप लोगों के उसी सेंसिटिविटी पे हेडशॉट नहीं पड़ते। और फिर उसके बाद आप लोग करते क्या कि अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को पूरा का पूरा चेंज कर देते हो, फिर उसके बाद आप लोगों को घंटों मेहनत लगती है, फिर अपने दोस्तों से पूछते हो, उसके बाद आप लोग फिर वापस से एक न्यू सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार करते हो, फिर वापस से आप लोगों को वही प्रॉब्लम आती है कि उस टाइम पर हेडशॉट पड़ेंगे लेकिन आपके बाद में हेडशॉट या फिर बाद में वन टैप नहीं पड़ते। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है, वैसे मेरे को पता है होती तो है, लेकिन आज के बाद ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली। तो चलो अभी हम बात करते हैं पहले सेंसिटिविटी के बारे में बात, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर आप लोग सेंसिटिविटी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी मिलती है, जिनमें से आप लोगों की एक प्रीलुक सेंसिटिविटी होती है, 3 आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी होती है और 2 आप लोगों की जनरल और रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है। अगर इसके अंदर आप लोगों की 5 जो सेंसिटिविटी होती है वो तो वन टैप मारने की भी काम आती है और हेडशॉट मारने की भी काम आती है, लेकिन आप लोग जो सबसे लास्ट में सेंसिटिविटी होती है प्रीलुक सेंसिटिविटी वो कुछ ज्यादा वर्क नहीं करती है। तो चलो अभी हम बात करते हैं आप लोगों की सेंसिटिविटी के बारे में बात, और मैं आपको पूरा का पूरा समझा भी दूंगा कि आप लोगों को जो यहाँ पर मैं सेंसिटिविटी बता रहा हूँ वो आप लोगों को हमेशा अपने मोबाइल के अंदर क्यों रखनी है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की प्रीलुक सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो भाई जो आप लोगों की प्रीलुक सेंसिटिविटी होती है ये तो ना तो वन टैप मारने के काम आती है, ना ही आप लोगों के हेडशॉट मारने के काम आती है, तो इसे आप लोग अपने मन के हिसाब से कितना भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसे 0 भी रखोगे, 50 भी रखोगे, 100 भी रखोगे, तो भी आप लोगों के गेम प्ले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो भाई देखो अगर आप लोग न्यू स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो, या फिर आप लोगों को स्नाइपर गन बहुत कम चलाना आती है, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना 70%। लेकिन अगर आप लोग बहुत टाइम से स्नाइपर गन चलाते आ रहे हो, या फिर आप लोगों को स्नाइपर गन अच्छी खासी चलानी आती है, तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना 90%। तो भाई अभी हम बात करते हैं 4 स्कोप सेंसिटिविटी और 2 स्कोप सेंसिटिविटी। अब देखो फ्री फायर के अंदर जितनी भी आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो तभी वर्क करती है जब आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करते हो, और ये बात तुम सभी को पता है कि आप लोग अपनी गन का स्कोप तब ओपन करते हो जब आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है, तभी आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करोगे, अदरवाइज आप लोग रेड डॉट से ही काम चला लेते हो, या फिर आप लोग बिना स्कोप ओपन के ही बंदे को मारते हो। तो अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में, उस टाइम पे आप लोगों ने 2x स्कोप ओपन किया, फिर 4x स्कोप ओपन किया, तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को हमेशा अपनी 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी दोनों को 100% कर देना है। तो ये तो है आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी कितनी रखनी है, रेड डॉट सेंसिटिविटी कितना रखना है। तो अभी मैं आपको जो कुछ बोलूं पहले उसको सुन लेना, उसके बाद ही आप लोगों को अपनी जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी को रखना है। तो जो आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है उसे आप लोगों को हमेशा 95+ रखना है, ठीक है। 95+ में आप लोग 96 से 97 98 99 तक रख सकते हो, लेकिन कभी भी आप लोगों को इसे 100% नहीं करना है। अब जैसे मान के चलो आप लोगों ने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 98% कर दिया, फिर आप लोगों ने अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 99% कर दिया, तो उसके साथ आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी कि जितनी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी रखना है। जैसे अगर आप लोगों का जनरल सेंसिटिविटी 98 है तो उस टाइम पे आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 98% करना है। अगर आप लोगों का जनरल सेंसिटिविटी 99 है तो उस टाइम पे आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 99 पे ही सेट करना है। तो भाई आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग तो बना लेते हो, लेकिन आप लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान चलो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेंसिटिविटी बताई है, पर आप लोगों ने अपने मन से कोई भी एक सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार कर ली, उस टाइम पे तो आप लोगों के स्टोर वन टैप नेक्स्ट लेवल के पड़ेंगे, लेकिन जब आप लोग 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो, जैसे गेम बंद करके 2-3 घंटे बाद गेम में आया, फिर आप लोग 2-3 दिन बाद गेम में आते, तो उस टाइम पे आप लोगों के उस सेंसिटिविटी ना तो पहले जैसे हेडशॉट पड़ते हैं, ना ही पहले जैसे वन टैप पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर रखोगे तो आप लोगों के हेडशॉट वन टैप नेक्स्ट लेवल के पड़ेंगे उसी सेंसिटिविटी पे, आप लोगों को कभी भी कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
ओके यहाँ पर मैं उस ट्रिक के बारे में बात करूँ, उससे पहले मेरे तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई कर देना, क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको इसी लेके जड़ तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। देखो आप लोगों से मैं जब इतनी रिक्वेस्ट करता हूं तो यार तुम्हारा एक या दो सेकंड का टाइम लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो हो सके तो नीचे साइड देखो आपको लाइक वाला बटन भी मिल जाएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उस पर भी आप लोगों को प्रेस कर देना है। देखो जब भी आप लोगों को ये लगता है कि मेरे पहले जैसे हेडशॉट या फिर पहले जैसे बन टैप नहीं पड़ रहे, तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा एक काम करना है कि आप लोगों की जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग होती है उससे पहले आप लोगों को याद कर लेना है, फिर उसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आप लोगों की जो भी सेंसिटिविटी सेटिंग होती है उसे आप लोगों को रीसेट कर देना। रीसेट करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि आप लोगों को वही सेंसिटिविटी अपने वॉल के अंदर रख देनी जो कि आप लोगों के पहले थी। और अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि अगर आप लोग भूल जाते तो उस टाइम पे आप लोग स्क्रीनशॉट में देख के अपनी जो सेंसिटिविटी सेटिंग होती है उसको वापस से वैसा का वैसा ही रख सकते हो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप अप करते हैं, ना ही आप लोगों के पास टॉप अप करने के पैसे, ना ही आप लोगों के पास फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड है। तो गाइस इसके ऊपर मैंने बहुत ही मस्त वीडियो बनाकर डाली जहां पर आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड ले सकते हो, तो उसकी जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो की मैंने लिंक पिन कर रखी है उसे जाकर एक बार पूरा देख लेना। लेकिन यहाँ पर मेरी दूसरी बार तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो याद से कर देना।